हेलो एवरी वन सी अर फाइनल ऑडिट का पेपर हुआ खत्म एंड फाइनली कमिंग अप विद अ पेपर रिव्यू इतना लेट सर सॉरी आई आउट आई केम बैक एट होम अराउंड ट्वेल्व आई एम जस्ट शेयरिंग दिस नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर बिकॉज एम सी क्यूज कुछ है जो लोगों को रोके हुए हैं तो ये वाला रिव्यू आप देखें तो भी अच्छा है ना देखें तो और भी अच्छा है पेपर में आई विल टॉक अबाउट द एम सी क्यू आंसर्स एंड डिस्क्रिप्टिव में कौन से क्वेश्चन प्रणाली कहाँ से थे वी विल जस्ट फोकस ऑन दैट आशा करता हूँ पेपर आप लोगों का अच्छा गया होगा आगे के और भी अच्छे जाएंगे पेपर अपने आप में कैसा था आई वुड नॉट से डेफिनेटली ईजी डेफिनेटली इंटरेस्टिंग यू कैन से इट वॉज अ लिटिल बिट टफ बट इट वॉज डेफिनेटली आउट ऑफ द बॉक्स एज फार एज एम सी क्यूज़ वर कंसर्न डिस्क्रिप्टिव पोर्शन डूएबल था बट एम सी क्यूज प्लस डिस्क्रिप्टिव की एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि जो मेमोराइज करके लिखने वाली चीज़ें हैं उसका कंपेरेटिवली कंटेंट काफ़ी कम हुआ है तो याद रखना था बट ज़्यादातर वो चीज़ें जो प्रोविजन बेस्ड है तो दैट्स अ गुड स्टेप फ्रॉम आई मैं खुश हूँ पेपर देखकर आई एम हैप्पी विद द काइंड ऑफ पेपर दे हैव सेट वेरी वेरी नाइस एंड स्टूडेंट्स ऑल्सो प्राइम ऑफ ऑफेसी विथ हुम आई डिस्कज वेरी फ्यू ऑफ देम वर मोर लेस प्री हैप्पी विद द पेपर एंड देयर परफॉर्मेंस कुछ का परफॉर्मेंस ठीक नहीं भी रहा बट दे वर हैप्पी विद द काइंड ऑफ द पेपर विच इंस्टीट्यूट हैज मेड तो दोस्तों नवंबर 24 के पेपर में पहले अपन एम की बात करते हैं ताकि आपको एम के आंसर्स बता के फ्री कर दूं एक बार जिनको सिर्फ एम के आंसर्स एक बार अपने के लिए देखना है इंटीग्रेटेड क्वेश्चन है पहला आ, देवा एंड आई एम जस्ट जनरली गोइंग थ्रू द क्वेश्चन नॉट गोइंग थ्रू द होल एम सी क्यू कॉम्प्रिहेंशन जस्ट विद द फाइनल क्वेश्चन आप करके ही आए हो तो आपको ध्यान नहीं होगा क्वेश्चन ने है कि बैंक अकाउंट ब्रांच ऑपरेशन टैक्स सेवन में है और सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है तो भाई क्या होता है इससे रिलेटेड पार्टी है तो हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है फ्रॉड करने की तो देखो रैशनलाइजेशन नहीं इंसेंटिव नहीं अपॉर्चुनिटी हाँ क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी एक तो हम मैनुपुलेट कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसा एंडरबर्ग ने अडानी और उनके भैया के साथ मेल भगत करके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग विंडो ड्रेसिंग की बात की वो हो सकती है तो उस एंगल से ये आंसर होगा आप बोल सकते हो मिसअप्रोप्रिएशन भी हो सकता है इन सम केसेस बट मैनुपुलेटिव फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज इन मोस्ट ऑफ द केसेस कारो 2020 में लमसम पेमेंट ई का करते हैं और कुछ छोटा मोटा रह जाता है तो अगले महीने उसे एडजस्ट कर देते हैं ये अपने आप में एक्सेप्टेबल पॉलिसी है ई के गाइडेंस नोट में दिया हुआ है पिछले पाँच सात साल से कारो में हम ये डिस्कस करते हैं कारो 2020 16 सभी में ये एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं तो ये चलेगा कोई दिक्कत नहीं है हम क्या लिखेंगे कि कंपनी हम मानेंगे कि भैया कंसिस्टेंटली प्रॉपरली पे कर रही है कुछ रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है इट इज़ रेगुलर इन पे चलिए इंटरनल ऑडिटर डायरेक्ट असिस्टेंस दे रहे हैं क्वेश्चन ने पूछा है क्या अप्रोप्रिएट प्रोसीजर इंटरनल ऑडिटर को असाइन किए जा सकते हैं फॉर डायरेक्ट असिस्टेंस हायर असिस्ट रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट जरा भी नहीं चार चीज़ें नहीं कर सकते हैं या जा जजमेंट ज़्यादा है रिस्क ज़्यादा है जो काम उसने खुद ने किए हैं मैनेजमेंट को रिपोर्ट करने के लिए या फिर फाइनली वो ऐसी चीज़ें जिसमें हमें डिसीजन लेना है कि उसका वर्क यूज करें या ना करें ये चार चीज़ नहीं कर सकते तो यहाँ बोला है रिलेट टू वर्क इंटरनल ऑडिटर हैव बीन ये नहीं कर सकते पर आगे क्या लिखा है विच विल नॉट बी रिपोर्टेड टू द मैनेजमेंट इसका मतलब मैनेजमेंट को उसने रिपोर्ट ही नहीं किया है तो ये मैटर हम इसका मतलब ये हुआ कि उसको असाइन कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से टू ओनली होगा क्योंकि ये देखिए थर्ड में क्या लिखा है टेक डिसीजन इन अकॉर्डिंग्स विथ ऐसे ये नहीं कर सकते तो फालतू तो क्वेश्चन बना देते हैं इंस्टीट्यूट ऐसे तीन चार बनाए जहाँ पे वो पूछते ये नहीं है कि बताओ क्या करना है इनमें से क्या नहीं करना है और वो पूरे एस के सारे जो पॉइंट्स होते हैं नॉर्मली जहाँ भी क्वेश्चन में आपको एस में आपको एक्सप्लेनेशन में चार पॉइंट दिख रहे हैं तीन पॉइंट दिख रहे हैं वो वाला डाल देते हैं और उसमें से एक को रिवर्स कर देते हैं यानी कि येस नो ओ लगा देते हैं और पूछ लेते बताओ इसमें से कौन सा गलत है चलिए देवा एंड कंपनी देवा ब्रह्मास्त्र मूवी याद आता था और इससे हमारी ऑडिट के ब्रह्मास्त्र हमें याद आ रही थी एग्जाम हॉल में इन ऑडिटर्स रिपोर्ट नहीं सर ध्रोन चार्ट बहुत याद है अच्छा करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वांट टू रिपोर्ट दैट टॉम लिमिटेड डज नॉट वॉन्ट टू मेक प्रोविजन पिछले साल भी कंपनी ने प्रोविजन नहीं बनाए थे ऑर्डर रिपोर्ट मॉडिफाई करी इस साल भी नहीं बना रहे इस साल भी मॉडिफाई करोगे करना ही पड़ेगा ऑप्शन नहीं है क्यों क्योंकि लास्ट ईयर का मॉडिफिकेशन इज अन्ड तो वी विल है और बहुत करंट और प्रीवियस पीरियड दोनों के लिए मॉडिफाई करेंगे ऐसा मुझे लगता है आंसर होगा चलिए आगे बढ़ते जाते व्यू आर्ड of डायरेक्टर्स ऑफ वीडियो अग्रिंग टू इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ एटी फाइव crore on account of incentives, ट्वेंटी वन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 बाय फोर बाई अमेंडिंग दी अकाउंट्स तो ये सब्सिक्वेंट इवेंट का क्वेश्चन है अकाउंट्स कंपनी अमेंड कर रही थी अप्रूवल के बाद लेकिन अडॉप्शन इन जीएम से पहले उसका कोई अप्रूवल आ गया इंसेंटिव का तो इनकॉर्पोरेट कर रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड कर रही है ऑडिटर उसके अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करके नहीं रिपोर्ट दे देगा प्रोसीजर्स नहीं रिपोर्ट की डेट तक के लगाएगा वापस से पूछा इसमें से इनकरेक्ट प्रोसीजर्स क्या होंगे तो यहाँ पे लास्ट वाला जो लिखा है कि आपको ओपिनियन मॉडिफाई करना है कोई ज़रूरत नहीं है क्यों क्योंकि मैनेजमेंट खुद चेंज कर रहा है अपनी इच्छा से और आपसे ऑडिट करा रहा है आपको पता पड़ता मैनेजमेंट चेंज नहीं करता तो मॉडिफाइड ओपिनियन आता रिस्पॉन्स टू मैनेजमेंट ऑफर एम वेदर टू टेक अप असाइनमेंट ऑफ स्टाच्यूडरी ऑडिट ऑफ एच इंस्टीट्यूट तो विजिटिंग फैकल्टी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में गॉन थ्रू दीज पर्टिकुलर क्वेश्चन तो विजिटिंग फैकल्टी है तो इसका मतलब आप विजिटिंग फैकल्टी होने के नाते क्लास फोर पार्ट वन शेड्यूल टू में ड्यू टू सबस्टांशियल इंटरेस्ट ऑडिट नहीं कर सकते क्लास फोर मिल गया ये इसका आंसर होना चाहिए सी ए वी एंगेजमेंट पार्टनर कोर्स ऑफ ऑडिट ऑफ ए एस टी फास्ट नहीं लिखा है ए एस टी लिखा है सर ये फास्ट का दो कुछ in required, तो क्वेश्चन चलिए कम्युनिकेट ही कंसिडर्स नेसेसरी टू इंक्लूड एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑडिटर्स रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद एस ए टू हंड्रेड एंड सिक्सटी फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस फॉर विच कम्युनिकेशन विद दो इनमें से क्या इनकरेक्ट है वापस से ये पूछा है तो हमने बोला है कोई अनकरेक्टेड मटीरियल स्टेटमेंट ऑफ अदर इंफॉर्मेशन है तो कम्युनिकेट करते हैं एम्फेसिस ऑफ मैटर अदर मैटर है तो कम्युनिकेट करते हैं गोइंग कंसर्न यू है तो करते हैं कोई की ऑडिट मैटर नहीं है तो कम्युनिकेट नहीं करते हैं। तो ये आंसर है क्योंकि इनकरेक्ट है वंस अगेन इसमें भी पूछा इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन है और हम देख रहे हैं उससे रिलेटेड

सी बी आप देखोगे तो आइडेंटिफाइड इनकन्सिस्टेंसी है हमें प्रोसीजर्स चेंज करना पड़ेंगे ये भी सही है डी इफ़ यू हैव आइडेंटिफाइड सिग्निफिकेंट इशूज ऑफ कॉम्पिटेंसी डिलीजेंस बट कंक्लूड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आर रिलायबल यू विल हैव टू डॉक्यूमेंट ये भी सही है तो एक बी ही अजीब है चलिए बी आर एस आर की रिपोर्ट है और इससे रिलेटेड बोला है कि रिपोर्ट में ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इतनी सारी और आपसे पूछ रहे हैं विच कोर एलिमेंट आर रिलेटिंग टू प्रिंसिपल नाइन प्रिंसिपल नाइन क्या है कि हम कंज्यूमर्स को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं वैल्यू टू कंज्यूमर्स एंड इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग असेंशियल गुड्स एंड सर्विस शुड अनेबल यूनिवर्सल एक्सेस इंक्लूडिंग कंज्यूमर को बेसिकली अगर आपकी सर्विस डिस्कंटिन्यू भी हो गई है तो सपोर्ट दो वाली बात है सही है सेफ और रिस्पॉन्सिबल वेज ऑफ यूजेज सही है ट्रांसपेरेंसी एकटली डिस्कलोज ऑल एडवर्स इंपैक्ट टू यूजर्स ये भी ठीक ही है रिस्पॉन्सिबल टू एडुकेट एंड मेक अवेयर कंज्यूमर्स अबाउट एंड क्लाइंट्स अबाउट द राइट सेफ और सस्टेनेबल प्रोडक्ट प्रिंसिपल टू रिलेटेड पॉइंट मेरे हिसाब से सही है भी होना चाहिए ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से ट्रिकी क्वेश्चन था क्योंकि है ना सब एक जैसे ही लगते हैं बहुत ध्यान से अपन ने याद रखे होंगे प्रिंसिपल सारे तो ही आंसर दे पाएंगे दिस वॉज अ टफ वन कंडक्टिंग स्टार्ट ऑडिट यू बीन अपॉइंटेड विद सी लिमिटेड वर्ड्स ऑफ बिकमिंग सिक बट not yet sick. Auditor accounts of आर शोइंग लाइबिलिटी फॉर अनडिसड फीस बट वर सेटल्ड इन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर हमें ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव का ऑर्डिटर अपॉइंट किया था ऑब्वियसली ट्वेंटी फोर शुरू होने के बाद किया होगा एजीएम में यानी उससे पहले पे हो चुके हैं Council General guideline chapter सेवन sick unit के ऊपर है बताइए क्या सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस पे हो चुकी है तो आप ऑडिट एक्सेप्ट कर सकते हो तो डीम टू बी गिल्टी तो है ही नहीं विल नॉट बी हेल्ड गिल्टी एज ही एक्सेप्टेड अपॉइंटमेंट ऑन द वर्ज नॉट बी हेल्ड गिल्टी एज ही एक्सेप्टेड ऑफ गिलती इज नॉट अ सिक्योरिटी ये सही है एंड आर नो अनपेड मेरे हिसाब से सी सही होगा क्यों क्योंकि ना तो अनपेड फीस है आपकी कोई ना ही वो सिक्योरिट मैं पूरा पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ फटाफट आपको कवर कर रहा हूँ डी एफ एसोसिएट्स अब बीन अपॉइंटेड एज स्टैचुटरी ऑडिटर ऑफ जे के एल बी एस इन इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोलर पावर कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स इज एग्जामिनिंग रिपोर्ट्स फंक्शन क्या है कोपू के तो विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग आर सम ऑफ द फंक्शन ऑफ द स्पेशलाइज कमिटी ये पूछ रहे हैं कौन से फंक्शन है कोपू के कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग पहला एग्जामिनिंग स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ये तो पब्लिक अकाउंट कमेटी का फंक्शन है भाई एग्जामिन एस्टिमेट रिपोर्ट वॉट इकोनॉमी एस्टिमेट कमेटी का है तो ये दो तो है ही नहीं तो थ्री और फोर ही मार्क करके आगे बढ़ो क्योंकि ऑप्शन में सब जगह दो पॉइंट तो कम से कम दिए गए चलिए अब ये वाले क्वेश्चन में बहुत सारी जानकारी दी गई है अपन सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हैं मैं बताया क्यों आपको बैंक एन बी एफ सी इतना इंपॉर्टेंट अभी मैंने एक पंद्रह मिनट का पोस्ट एफ एम एग्जाम वीडियो शेयर किया था हाउ टू आई मीन यू नो वे टू फोकस वॉट सीक्वेंस टू कीप मैंने कहा था कि दोस्त पी एस यू पर फोकस रखना पिछली बार नहीं आया था बैंक एन बी एफ सी मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टैंडर्ड्स वाले चैप्टर पर फोकस रखना टू थ्री फोर वाले चैप्टर हालाँकि थोड़े से आखिरी के लिए रख देना रिस्क असेसमेंट वगैरह जबकि रिस्क असेसमेंट लास्ट टाइम भी नहीं पूछा था और आप देखो इस बार भी रिस्क असेसमेंट नहीं आया वेटेज देखो आप स्टैंडर्ड देखो आप नौ क्वेश्चन फोर्टी फोर मार्क्स के इनफैक्ट छः क्वेश्चन बारह मार्क के किस में एम सी क्यू इसमें यानी सौ मार्क के पेपर में फिफ्टी सिक्स मार्क्स तो प्योर स्टैंडर्ड बेस्ड हो गया आपका मोर इम्पॉर्टेंटली एम सी क्यू का सबसे बड़ा वेटेज एथिक्स डेफिनेटली चार क्वेश्चन इधर दो इधर नाइस फिर मैंने आपको बोला था डिजिटल ऑडिट और एसडीजी और पी ये तीन मैंने कहे थे क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है मत छोड़ना मुझे लगा था थर्टीन भी इंपॉर्टेंट है उससे रिलेटेड अलग ही क्वेश्चन नहीं आया बट आप देखो इनके डिस्क्रिप्टिव में चार चार मार्क के दो क्वेश्चन एज एन एट मार्क्स प्लस दो मार्क का एमसीक्यू भी है देन बैंक एनबीएफसी की बात करें आप तो यू कैन सी कुछ यहाँ गड़बड़ है ऐसी ठीक है डिस्क्रिप्टिव में एक क्वेश्चन था आपका प्लस तीन क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में थे इसलिए मैंने बोला एनक एन बी एफ सी जरा भी आप क्योंकि प्रोविजन बेस्ड चैप्टर है तो एम सी क्यू कभी भी बन सकता है एंड देन कारो ऑब्वियसली इज इंपॉर्टेंट इन फैक्ट मैंने रिविजन में कहा था कि आप डे वन पर ना सिर्फ एथिक्स मत करना क्योंकि वो ऐसे भी हो जाएगा आपका आप कोशिश करके उसमें कारो भी ऐड करना और उसके तो पी एस सी यू या एस क्यू सी वन देखना चलिए तो कहाँ पर आ, आ गए थे यार अपन वही वही रात में ये भी ढीला पड़ गया अपना ही पैड़ा कहां हो ये रही चले दोस्तों आइए क्वेश्चन कहता है बेस्ड ऑन फैक्ट गिवन पैरा 2 यू रिक्वायर्ड कंप्यूट डीटीएल ऑन 30 सितंबर 2024 अभी निकाल लेते हैं क्या बात है इसमें पैरा 2 कौन सा है भैया ये वाला डीटीएल निकालना अभी निकालते हैं डीटीएल बैलेंस 30 सितंबर का 50000 करोड़ है विच इंक्लूडेड द फॉलोइ तो भैया इसमें से क्या क्या चीजें नहीं इंक्लूड होना चाहिए पेडअप कैपिटल नहीं आता है रिजर्व नहीं आते हैं क्रेडिट बैलेंस इन पी एंड एल नहीं आता है आर बी आई से लिए हुए लोन नहीं आते हैं एक्जिम बैंक एन बी ए क्योंकि अपन ने पढ़ा है ना अपन दूसरी बैंक से लोन लेते हैं वो डिमांड टर्म लाइबिलिटी में नहीं आ रहा है सिमिलरली बैड डेट्स की कोई रिकवरी अगर आपकी हो गई और वो पेंडिंग एडजस्टमेंट है तो वो भी डिमांड टर्म लाइबिलिटी नहीं है पैसा देना थोड़े ना अपन किसी को इपटा का बैलेंस है वो आता है इंटरेस्ट अक्रूड भले ही आपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया पर एवरी डे यू हैव टू अक्रू इंटरेस्ट एंड इंक्लूड इन डिटेल तो ये आएगा और मार्जिन डिपॉजिट फॉर फंडेड फैसिलिटी तो फंडेड फैसिलिटी के लिए तो ये नहीं आएंगे क्योंकि आपकी इसके अगेंस्ट में क्या है लाइबिलिटी के अगेंस्ट में आसेट है तो आप क्या करेंगे फिफ्टी थाउजेंड में से ये सारी चीजें माइनस तो ये कितना आएगा मुझे इससे ध्यान नहीं है वन एट्टी वन ट्वेंटी फाइव जो भी आता है देख लेना आप अठारह आठ सौ अस्सी आ रहा है चलो इसमें अब बता के क्या फ़ायदा है समय खराब करना है आपका अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर बट आप देखोगे तो इसमें एक पूरा चार्ट बना हुआ था डिटेल लाइबिलिटी इसका क्लास में पढ़ते हैं तब तो मार्क भी कराते हैं कि इंपॉर्टेंट है दोस्तों याद से डिटेल वाला सही से मस्त से कर लेना क्योंकि इसके ऊपर क्या है ना पास में भी कई बार क्वेश्चन आए हुए इंस्टीट्यूट तो छोड़ता नहीं है ऐसी चीजें एंड फॉर पर्टिकुलर वी यू नो दिस इज क्रिटिकली इम्पॉर्टेंट सो प्लीज डू इट केयरफुली ठीक है डी टी एल अपना किसमें आता है डिमांड टर्म लाइबिलिटीज का जो चेकिंग करते हैं अपन किसमें नॉर्मली करते हैं अपन एस एल आर वगैरह वैसे ही टाइम so, हेलो 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 ओ मेरे दोस्त द्रोन चढ़ भरी पड़ गए तुझ पर ही खुल ग आई one, two, three, A, B, so, ये आपकी ये। चलिए भैया तो ये देखो ये लाल कलर में इसमें लिखा हुआ एक्सक्लूडेड मतलब हटाने का अप <coughs> शेयर कैपिटल बैड डेट की रिकवरी संडे डिपॉजिट स्पेंडिंग फाइनल रेट्स ये मार्जिन हेल्ड बाय फंडेड फैसिलिटी और ये भी दिया हुआ है ये सब इंक्लूड होंगे यानी इसको आपको हटाने का नहीं है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट फॉरन वगैरह कुछ है तो लाभ ब्ला ब्ला लाभ ठीक है गुड wow, सर आगे बढ़ते हैं दोस्त चल लें ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स में क्या होता है आप देखो कोई सारे क्वेश्चन आप छोड़ के भी हम बस पढ़ लोगे तो यही समझ में आ जाएगा ऑडिट प्रोग्राम ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स का पार्ट थोड़े पैरावन यू आर रिक्वायर्ड टू तो करेक्ट कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो फॉर महाराष्ट्र बैंक ये भी हो ही जाएगा कहाँ है भैया पैरावन ये देखो एलिजिबल टोटल कैपिटल फंड्स तो क्या होता है भैया कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कैपिटल जो है आपकी डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड असेट एंड ऑफ बैलेंस शीट लायबिलिटीज तो कैपिटल कितनी है तो टियर 1 टियर 2 तो दोनों ही कैपिटल आती है 200 20 प्लस 50 अपॉन 30 इन टू हंड्रेड है भगवान ही क्या हो गया दो सौ सत्तर तीस ये तो नौ सौ परसेंट हो गया कुछ लोचा है बधाई हो बधाई दो मजे तुम्हारे तो हो नौ सो परसेंट भाई कुछ लोचा है, इसमें तुमको दो माघ मिल गए या 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 वाह मजे आ गए कीपिंग इन व्यू पैरा इन्फॉर्मेशन पैरा थ्री आइडेंटिफाइडर विच लेयर ऐप विल बी कैटेगराइज कोई कम नहीं है इसको कौन सी लेयर मतलब एन बी एफ सी का रिलेटेड क्वेश्चन है ओके एन बी एफ सी सेटअप किया गया फाइनेंशियल ईयर एंडिंग थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव क्या बोला बुलाए डिपॉजिट भैया एक्सेप्ट किए इसने 900 करोड़ के और नाइन साइज 990 है तो भैया डिपॉजिट एक्सेप्ट किए तो आप मिडिल लेयर के हो गए भले आपकी एसेट एक से कम इससे फर्क नहीं पड़ता प्लस ये बोला है स्टैंडर्ड ऑन प्राइमरी डीलर इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फाइनेंस हाउसिंग फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस अगर ये सब करते हो ना तो तो आप मिडिल लेयर में ही होते हो भले आप डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करो करो अब अनलेस अंटिल कहीं लिखा हुआ है ऊपर की भैया इसको आइडेंटिफाई किया गया है मैंने पढ़ा नहीं है सच लिखा तो नहीं है अगर आइडेंटिफाई किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा तो अपर लेयर में जाएगी अदरवाइज ये मिडिलयर होगी ठीक है एक बार ध्यान से पढ़ लेना भाई इट दिस इज ऑल योर एम सीज क्या हूँ फटाफट आपको मैं बता देता हूँ ये स्टैंडर्ड्स के रिलेटेड जो भी आपके डिटेल वाले क्वेश्चन थे ये क्या किससे रिलेटेड थे इनफैक्ट आप चाहो तो एक काम कर सकते हो डिटेल आंसर अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे मैंने ये सारे क्वेश्चन का आपको यहाँ पे क्विक वो दे रखा है कौन सा किस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है तो आप यहां से इसको एक बार देख लेना मैंने जॉट करके आपके लिए रख दिया था ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम्स एंड सॉरी फॉर सच अ लेट वीडियो बाय गुड लक